मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहेगा थाना पुलिस को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो व्यक्ति शराब लेकर पखरौनी के तरफ से कपिलेश्वर की ओर जा रही है। सूचना की सत्यापन करने हेतु संध्या गश्ती कर रहे एएसआई बसंत कुमार को इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष द्वारा दी गई। एएसआई बसंत कुमार ने अपने दल बल के साथ रहेका इंसाफ चौक पर उस मोटरसाइकिल का इंतजार करने लगा। मोटरसाइकिल सवार दोनों कारोबारी पुलिस की गाड़ी देखते ही शराब कारोबारी मोटरसाइकिल पर लदे शराब को छोड़कर दोनों भागने लगा, जिसका पुलिस बल के द्वारा पीछा किया गया और खदेड़कर एक कारोबारी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा कारोबारी भागने में सफल रहा। पुलिस बल के द्वारा शराब से लदे मोटरसाइकिल और पकड़ाए गए शराब तस्कर को हिरासत में लेते हुए थाना परिसर लाया। वहीं बाइक पर लदे बोरे से 39 बोतल देसी नेपाली शराब बरामद कर जब्त कर लिया गया। शराब के साथ हिरासत में लिए गए शराब कारोबारी की पहचान रहिका थाना क्षेत्र के बलाट गांव निवासी फकीर सहनी के पुत्र किशन कुमार सहनी के रूप में किया गया, जबकि फरार कारोबारी रोशन यादव के रूप में पकड़ाए गए शराब कारोबारी के द्वारा बताया गया। इस बाबत रहिका थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल के साथ 39 बोतल देसी नेपाली शराब को जब्त कर लिया गया तथा दोनों तस्कर के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। रहिका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।